हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज उज्जैन यूनिवर्सिटी से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं पृथ्वी पर स्थित वायुदाब पेटियों के बारे में। देखते हैं वायुदाब क्या होता है। धरातल पर एकांक क्षेत्रफल पर हवा जो दाब डालती है उसे वायुदाब कहा जाता है। वायुदाब की मापने की जो इकाई होती है वो मिलीबार में होता है, यानी वायुदाब को मिलीबार में मापा जाता है। और इसका जो मापक यंत्र है इसको कहा जाता है बैरोमीटर। वायुदाब का जो मापक यंत्र है इसको बैरोमीटर कहा जाता है। जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर की तरफ जाते हैं तैसे तैसे वायुदाब में कमी आती जाती है। कितने की कमी होती है तो प्रति 100 फीट जाने पर वायुदाब में 34 मिलीबार की कमी आती है। अगर हम देखें तो मनुष्य के शरीर पर भी हवा क्या करती है, दाब डालती है, वायुदाब डालती है, लेकिन इसका एहसास हमको नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि मनुष्य के अंदर जो स्थित हवा है वह बाहर की तरफ दाब डालता है और जो बाहर की हवाएं हैं वो मनुष्य के ऊपर दाब डालती हैं। तो दोनों के जो वायुदाब होते हैं चूँकि बराबर होते हैं इसलिए वायुदाब का हमको पता नहीं चल पाता। जैसे जैसे हम ऊँचाई पर जाते हैं तैसे तैसे वायुदाब में कमी आती है, लेकिन अंदर का जो मनुष्य के शरीर का जो वायुदाब है वो ज्यादा होता है, यानी कि दोनों के दाब में असमानता होती है। तो मनुष्य के नाक और कान से ब्लड निकलने लगता है। धरातल पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं समदाब रेखा या आइसोबार कहा जाता है। आइए देखते हैं कि कितनी वायुदाब पेटियां हैं पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर कुल 7 वायुदाब पेटियां हैं, यानी पृथ्वी पर जो वायुदाब पेटियों की संख्या है कुल 7 है। अगर हम देखें तो सबसे पहला है विषुवत रेखा पर, इसको कहते हैं विषुवत रेखी निम्न वायुदाब पेटी। इसके बाद दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों पर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, चाहे वह उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, और दोनों गोलार्ध में 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य उपध्रुवी निम्न वायुदाब पेटी दोनों गोलार्धों में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध दोनों में और ध्रुवों पर ध्रुवी उच्च वायुदाब पेटियां स्थित हैं उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव के पास। ठीक, आइए देखते हैं इन 7 पेटियों के बारे में जो वायुदाब पेटियां पृथ्वी पर स्थित हैं। सबसे पहला है विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, या इसी को डोल्ड्रम कहा जाता है, या इसी पेटी को कहते हैं आईटीसीजेड पेटी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक, तो जो विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी है या डोल्ड्रम है, यह विषुवत रेखा से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के अक्षांशों तक विस्तृत है। इसको कहते हैं विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी। क्यों कहते हैं विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी? क्योंकि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें हमेशा लंबवत चमकती है, जिससे वहां पर जो दिन होता है दिन और रात दोनों बराबर होते हैं, बराबर घंटों के होते हैं, यानी कि वहां पर हमेशा गर्मी पड़ती है, ठंडी जैसी कोई ऋतु नहीं होती है। तो चूंकि वहां पर जो वायुमंडल है ये गर्म हो जाता है, वहां के वायुमंडल की जो हवाएं हैं एक दूसरे से टकरा कर वो सबके सब ऊपर की ओर भागते हैं। ठीक, 36 दिशा में ना चल के वो ऊर्ध्वाधर के ऊपर उठ जाते हैं, और ऊपर उठने के कारण यहाँ पर जो हवाएं हैं यहाँ पर वायु की कमी हो जाती है, और वायु की कमी होने से यहाँ पर वायुदाब क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो हवाएं हैं ये सभी हवाएं विषुवत रेखा से आसपास से उड़कर या विषुवत रेखा से आके पहुंच जाती हैं 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के पास। कुछ इधर आएंगी और कुछ दक्षिणी गोलार्ध में स्थित 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के पास चली जाती है। तो यहाँ पर हवा की कमी हो जाती है जिससे वायुदाब क्या होता है, निम्न हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जो वायु का दबाव है कम हो जाता है। इसलिए इसको कहते हैं विषुवत रेखी निम्न वायुदाब पेटी, या इसी को कहते हैं डोल्ड्रम पेटी। क्यों कहा जाता है डोल्ड्रम पेटी? क्योंकि जब हवाएं ऊपर की ओर उड़ती हैं, ऊपर की ओर उठने के बाद हवाओं का यह कमी होती है, तो यहाँ पर निम्न वायुदाब बढ़ता है, और निम्न वायुदाब की वजह से यहाँ पर जो हवाएं हैं एकदम शांत रहती हैं। इसलिए इस पेटी का एक अन्य नाम है डोल्ड्रम पेटी, या शांत पेटी कह सकते हैं। दूसरा एक इसका अन्य नाम है आईटीसीजेड पेटी, या इसी को इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन पेटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन पेटी? क्योंकि जो
विषुवतरेखीय निम्नवायुदाब पेटी है, जैसे जैसे सूर्य उत्तरायण या दक्षिणायन होता है, अगर सूर्य उत्तरायण हो रहा तो उस दौरान यह उत्तर की तरफ यानी उत्तरी गोलार्ध में खसक के जाता है, चलता रहता है, और जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य दक्षिणायन होता है तो दक्षिणी गोलार्ध की तरफ है इसका कुछ होता बढ़ता चला जाता है। यानी कि यह क्या होता है, समय के अनुसार जिस तरफ सूर्य होगा, चाहे उत्तरी गोलार्ध में हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध में हो, उसी गोलार्ध की तरफ ये खसकता रहता है। इसलिए इसको कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। क्यों? क्योंकि यह स्थिर ना होके जब सूर्य उत्तरायण होगा तो ये भी उत्तरायण होता है, यानी कि 5 डिग्री ना होके और आगे तक बढ़ जाता उत्तरी गोलार्ध में, और सूर्य जब दक्षिणायन होता है तो यह भी दक्षिण की तरफ मूव कर जाता है, आगे की तरफ खसक जाता है। इसलिए इसको कहा जाता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन टोपी जोन पेटी। और इसी को कहते हैं मानसून। ये जो विषुवतरेखीय निम्नवायुदाब पेटी या डोल्ड्रम है, या जिसको हमने कहा ITCZ पेटी, यही कहलाता है मानसून। जैसे भारत में आपने सुना होगा मानसून प्रवेश करता है, तो मानसून कोई राक्षस ना होके यही ITCZ जो होता है जब ये पहुंचता है भारत के पास, क्योंकि उस दौरान सूर्य उत्तरायण में होता है, उत्तरायण होने की वजह से यह भी उत्तर की तरफ मूव करता है, उत्तरी गोलार्ध की तरफ है, इसलिए इसी को कहते हैं मानसून, यही मानसून कहलाता है। तो यहाँ पर विषुवतरेखीय निम्नवायुदाब पेटी या डोल्ड्रम, या इसी को ITCZ पेटी कहा जाता है। आगे देखिए, जो उपध्रुवीय निम्नवायुदाब पेटी है, यहाँ पर तापमान के वजह से यहाँ पर निम्नवायुदाब पेटी बन रही है, लेकिन अगर हम बात करें उपोष्ण उच्च वायुदाब की, 30 से 35 डिग्री अक्षांश उत्तरी गोलार्ध और 30 से 35 डिग्री अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध में जो स्थित पेटी है, इसको कहते हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। यहाँ पर अगर हम देखें तो टेम्परेचर यानी जो तापमान होता है विषुवत रेखा से तो कम होता है, लेकिन यहाँ पर जो वायुदाब है यह निम्न ना हो के उच्च होता। उच्च क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पृथ्वी का घूर्णन है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है, यहाँ से भी हवाएं उठ के पहुँच जाती हैं यहाँ पर, और जो विषुवतरेखीय निम्न वायुदाब पेटी है यहाँ से भी हवाएं आके गिरती हैं यानी उतरती हैं ऊपर से आके, कहाँ पर, तो उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी पर, 30 से 35 डिग्री अक्षांशों पर उतरती हैं। तो इस दशा में अगर हम बात करें तो इस तरफ से भी हवाएं क्या कर रही हैं, दोनों गोलार्धों में उपध्रुवीय निम्नवायुदाब पेटी से भी हवाएं उठ के पहुंचती हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पर, और जो विषुवतरेखीय निम्नवायुदाब पेटी है यहां से भी हवाएं पहुंचती हैं उपोष्ण उच्च वायुदाब पर, या आप कह सकते हैं विषुवतरेखा से भी हवाएं ऊपर उठ के इसी 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर आके गिर रही हैं, और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के पास से भी हवाएं क्या कर रही हैं, पृथ्वी के घूर्णन के कारण यहां पर आके नीचे गिर रही हैं। तो यहां चूंकि हवाओं का आयतन हवा का आयतन कम हो जाता है, इसलिए यहां पर जो दाब है ये उच्च हो जाता है, यानी कि हवा का प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो यहां पर उच्च वायुदाब पेटी बन जाती है। तो दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर उत्तरी गोलार्ध है, और दक्षिणी गोलार्ध में 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी बनती है, लेकिन यह पेटी तापजन्य ना होके यह पृथ्वी के गतिजन्य होने के वजह से यहाँ पर उच्च वायुदाब बनता है। और अगर हम बात करें उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की, उत्तरी गोलार्ध की और दक्षिणी गोलार्ध की, तो यहाँ पर जब पृथ्वी का घूर्णन होता है तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो हवाएं हैं यह उठ के उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी से कहाँ पहुँच जा रही हैं, उपोष्ण उच्च वायुदाब पर पहुँच जा रही हैं, और यहाँ पर भी 60 से 65 डिग्री अक्षांश से जो हवाएं हैं ये आके यहाँ पहुँच जा रही हैं, इसलिए यहाँ पर जो वायुदाब है कम हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। चूँकि यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ भी हवा यहाँ से उठकर दूसरे जगह से आके शिफ्ट हो जा रहा है, इसलिए वहाँ पर भी दबाव क्या होगा, निम्न हो जाएगा। तो दोनों गोलार्ध में 60 से 35 डिग्री अक्षांश पर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी है, और दक्षिणी गोलार्ध में भी 60 से 35 डिग्री अक्षांश पर निम्न वायुदाब पेटी बन रही है। अगर हम बात करें ध्रुवों पर, तो ध्रुवों पर हमेशा
तापमान क्या होता है, एकदम कम रहता है, माइनस में रहता है, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो। तो जहाँ पर तापमान कम होता है, जो वायुमंडलीय हवाएं हैं वह धरातल पर बैठने की कोशिश करती हैं, तो टेम्परेचर अगर कहीं भी कम है, टेम्परेचर अगर कहीं भी कम है तो हवा का दबाव क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जो आपका उत्तरी ध्रुव है या दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर भी चूंकि टेम्परेचर यहाँ पर बहुत कम है, इसलिए हवाएं नीचे आके बैठती हैं। तो जब हवाएं नीचे आके बैठेंगी तो यहाँ पर क्या होगा, उपध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी बनेगी, और दक्षिणी गोलार्ध में भी यही स्थिति होगी, उपध्रुवी उच्च वायुदाब पेटी। तो दोनों गोलार्ध में ध्रुवों पर, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी बन रही है और दक्षिणी गोलार्ध में भी ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी बन रही है। ठीक, तो पृथ्वी पर कुल वायुदाब पेटियों की संख्या जो है वो 7 है। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे जो पवन है, अस्थाई पवने, पूर्वा पवने, इन सभी पवनों के बारे में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।